अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी अदाकारा की कहानी बताएंगे जो बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं है और बहुत ही अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। शादी उन्हें रास न आई और कोई औलाद भी नहीं थी। अदाकारा ने बहुत सी मुसीबतें सही और कैंसर के मर्ज में इतने लंबे अरसे में रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। मरहूमा ने बहुत से ड्रामों में काम किया। उर्दू ड्रामा फासलों के दरमियान था और जबकि इनका आखिरी ड्रामा जन्नत था। आखिर कौन है ये अदाकारा, हम इस वीडियो में आपको तफसीलन बताएंगे और तस्वीर भी शेयर करेंगे। यूं तो कैंसर में मुब्तला नादिया जमील भी हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि उन्हें लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। वो सब कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हैं। वो अभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आखिरी सांस तक आपके साथ चलती है। आपको शुगर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ कीमोथेरेपी की वजह से हो जाती हैं, लेकिन कराची पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर अदाकारा अनीला इजाज तवील इलालत के बाद पिशावर में इंतकाल कर गई थी। मरहूमा ने पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर से अपने मजाया कैरियर का आगाज किया और इसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन की पढ़ी लिखी और मारूफ अदाकारा के तौर पर सामने आई। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपने मिदाहों के दिलों में जगह बनाई। 90 की दिहाई में जिनके बगैर कोई भी हिंदको, पश्तो और उर्दू ड्रामा नामुकम्मल तसव्वुर किया जाता था। इन्होंने शादी भी की पर इनके यहाँ कोई औलाद ना थी। इनके मशहूर ड्रामों में शामिल है वापसी, बारिश और इसके अलावा पखडंडी और इंतशार। अनीला इजाज तवील अरसे से कैंसर के एक मर्ज में मुब्तला थी और गुज़िश्ता 15 रोज से कोमा में भी थी। उन्होंने क्वेटा, पिशावर और कराची के कई यादगार सेंटर्स में काम किया और इनकी जोड़ी को मरूफ अदाकार अजीम इजाज के साथ बहुत पसंद किया गया। अनीला इजाज की वफात को पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान समझा गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके तमाम तर गुनाह माफ़ करके उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें। और जितने भी लोग ये कैंसर जैसी जलील बीमारी से लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।